बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज सर मैं डैम पे हूँ वीडियो बनाने के लिए कि मंगला डैम में अभी गैम की सिचुएशन क्या है और पानी की सूरत हाल क्या है, और इसके अलावा मंगला डैम में जो शिकार हो रहा है वो किधर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या है। तो पहले तो बात यह है कि मंगला डैम में अभी पानी तकरीबन 5 से 10 दिन हो गया है, प्रॉपरली पानी नीचे जा रहा है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच रोजाना पानी नीचे जा रहा है। तो दूसरा ये है कि जो काफ़ी सारे दोस्त अहबाब रब्ता रखते हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि मौसम भाई गैम की सिचुएशन क्या है और गैम क्यों नहीं हो रही। तो वैसे ही इस छोटी सी वीडियो में बनाने का मकसद यही था कि आपको बता दिया जाए कि मंगला डैम में गैम क्यों नहीं हो रही। देखेंगे पहले तो मंगला डैम में जब 4वें 5वें 6वें महीने में गैम मंगला में स्टिल हो रही थी, जब वो पानी नीचे नहर पर था, रठवा हरियाणा ब्रिज के जो नीचे नहर है वहाँ पर बहुत छिड़काव हुआ है। इसके बाद जब पानी चढ़ना स्टार्ट हुआ है तब जो मौसम था वो भी ठीक था, उसके अलावा जो आगे जो पानी पीछे जो मछली मैदानी इलाके थे जहाँ पे जिनको बाड़ियाँ बोलते हैं वहाँ पे खुराक वगैरह नहीं थी मछली के लिए, तो वहाँ पे इसलिए बहुत अच्छा शिकार हुआ है। उसके बाद जब पानी रुका है फिर थोड़ा पानी लेट चढ़ना स्टार्ट हुआ है, अब आपको पता है कि सावन का महीना स्टार्ट हो गया था, और जब सावन का महीना स्टार्ट हुआ आप लोग जानते हैं कि मंगला डैम में कोई भी इलाका हो जहाँ पर ऐसे मैदानी खुले इलाके हों वहाँ पर जड़ी बूटियाँ घास वगैरह उगना स्टार्ट हो जाता है, और उसी की वजह से मंगला डैम जो शिकार है वो काफ़ी ख़राब हुआ है कि पानी लेट चढ़ा है और जो घास बूटियाँ वगैरह थी वो काफ़ी तादाद में ज़्यादा हो गई थी। जब पानी वो चढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो तकरीबन सारा एरिया मंगला में ना जहाँ पे पेतल बाड़ियाँ थी, जो पेतल जहाँ पे लोग शिकार करते थे वो तकरीबन सारा वहाँ पर जड़ी बूटियाँ वगैरह घास वगैरह आ गया, जिसकी वजह से जो मछली है उस वो लगने में काफ़ी ख़राब हो गया, मछली का शिकार मंगला में नहीं हुआ। इसकी महज यही वजह थी कि जब पानी लेट चढ़ना स्टार्ट हुआ तो सावन के महीने में घास बूटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मंगला में गैम नहीं हो रही थी। तो अभी तकरीबन 8 से 10 दिन हो गया पानी उतना शुरू हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो मंगला में किसी किस्म की खास गैम नहीं हो रही किसी पॉइंट पर भी, जो चंद्राल का एरिया बोर्ड कॉलोनी का एरिया आगे रठोवा आ जाता है, पीछे छपड़ियाँ आ जाता है, जड़ी कास्ट तो वैसे भी आपको पता है कि अभी शिकार जब बजरी में पानी होता तब गैम हो रही थी, तो बाकी जो हमारे मट्टी वाले एरिए हैं जहाँ पर शिकार अभी नहीं हो रहा। तो ये मैं बिल्कुल आज नई वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 30 तारीख है आज 30 अगस्त। तो मैं इधर चंद्राल का जो नाला है इस पे इसी के ऊपर जो इसके जो बाड़ी है वहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं बिल्कुल नई वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी यही है कि मंगला में जो गैम की सूरत अलावा काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तकरीबन मंगला में शिकारी बैठना भी कम हो गए हैं, बहुत शिकारी कम बैठ रहे हैं। मैं यही वजह थी कि जो पानी था वो गलत टाइम पे चढ़ा है, लेट पानी चढ़ा है और सावन के महीने में पानी चढ़ा है, तो जो इलाके थे जहाँ पे लोग शिकार करना चाह रहे थे वहाँ पे घास बूटी की वजह से काफ़ी गैम डिस्टर्ब हो गई है। तो अक्सर पॉइंट भी साफ़ नहीं मिलते थे, अगर वो साफ़ मिलते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी घास बूटी ज़्यादा थी कि मछली वहाँ पर खेलती थी लेकिन टच नहीं थी हो रही। तो बस शाम का टाइम है, मैं टाइम पर इसलिए आया था कि मैं छोटी सी वीडियो बना के अपने व्यूज़ के लिए जो लोग मंगला में शिकार के लिए आना चाहते हैं उनको बता दूँ कि ये सूरत हाल ताज़ा सूरत हाल यही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अभी अल्लाह हर करे क्या आगे शिकार की रिपोर्ट क्या होती है। उम्मीद है कि जब पानी नीचे जाएगा थोड़ा सा नीचे और पानी जाए तब गेम स्टार्ट इंशाल्लाह होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो बाकी ये क्या नाम हमारा थोड़ा सा दिखा दो सर, ये चंद्राल क्या लेके इलाका ये चंद्राल ये बोर्ड कॉलोनी वो चंद्राल का इलाका नल आते हैं यहाँ से आगे सारा बोर्ड कॉलोनी स्टार्ट हो जाता है ये देखे नहीं। तो ये मैं अभी शाम टाइम आया हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि तमाम लोगों को बता दूँ कि गैम की सूरत क्या है। ये भी देखेंगे, ये भी चेक करें कि पानी 2 से 2.5 इंच नीचे जा रहा पानी तकरीबन रोज़ाना देखें। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह हैर करे, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे सलामत रखे। तो मेरे चैनल मौसम शिकारी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और आप लोग बड़ी मोहब्बत रखते हैं जी, बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।